सावन माह के पावन उपलक्ष्य में शिवपुरी धाम किशनपुरा में महारुद्राभिषेक का आयोजन रुद्र सेना संगठन के संचालक दयाल वर्मा की ओर से किया गया। इस अवसर पर समाज सेवक सुदेश विज व उनके बेटे पीयूष विज ने विशेष रूप से शिरकत की। इस संबंध में जानकारी देते हुए दयाल वर्मा ने कहा कि हिंदू शास्त्रों में किए जाने वाला रुद्राभिषेक एक प्राचीन सनातनी धर्म अनुष्ठान है। रुद्र शब्द भगवान शिव के तांडव रूप को दर्शाता है और पूजा उनकी की गई साधना को। इस अनुष्ठान को करने से उपासक को आंतरिक शांति और तृप्ति प्राप्त होती है। इस अनुष्ठान में भगवान शिव के रुद्र रूप की पूजा की जाती है जो कि सभी बुरी शक्तियों और बुरी ऊर्जा का सर्वनाश करती हैं। इस मौके पर सुदेश विज ने कहा कि कई पुराने शास्त्रों में लिखित है कि रुद्राभिषेक अनुष्ठान ग्रहों के हानिकारक दोष का निवारण करता है। इस मौके पर अमित वर्मा, सुनील कुमार, केतन, मोहित शर्मा, करण गंडोत्रा, शेखर आनंद, दिनेश कुमार, सुरेंद्र बाबा, कुणाल शर्मा, आशु पंडित, दिनेश पंडित, सोनू यादव, सुरेश कुमार सनी, प्रदीप कुमार, सतीश कुमार, रिंकू, विकास खन्ना, विक्की ढल, राजू वालिया, पंकज जुल्का और राहुल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। रुद्र सेना संगठन वालों सावन मास दे विच असी रुद्र अभिषेक करवाया शिवजी के मंदिर के किशनपुरा चौंक के ते असी यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आने वाला समय सब का बहुत ही मंगलमय हो। जिन्होंने भी जिड़े भी भक्तजन इतने आए उन्होंने विधिपूर्वक बहुत ही अच्छा बहुत ही उमदा श्रृंगार किया तुम दिखा सकते हो। बस मैं यही चीज़ कहना आने वाला समय परमात्मा महादेव जी सारे उत्ते अपनी कृपा बनाए रखन। रुद्र सेना वालों इतने शिवपुर के जलंधर महा रुद्र अभिषेक करवाया गया जी। इस मेन संस्थापक दयाल वर्मा जी, टिंकू वर्मा जी, अमित शर्मा, अमित वर्मा जी, संदीप वर्मा जी, करण गड़ोत्रा जी, शेखर आनंद जी, सुनील वर्मा जी, केतन जी वालों बड़े ही विधिपूर्वक इतने महा रुद्र अभिषेक करवाया गया जी। तो यही रिक्वेस्ट है कि सारे कि रुद्र महादेव जी का सब ते आशीर्वाद बनाया रखे और सब कुछ मंगलमय ही हो। शिव मंदिर भोलेनाथ भगवान किशनपुरा च रुद्र अभिषेक का आयोजन किया गया, रुद्र सेना वालों किया गया और जिते सारे भगतों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिता और बाद उपरंत वो आरती भंडारा किया गया। बहुत ही उत्साह के नाल भगवान भोलेनाथ तो आशीर्वाद प्राप्त किए, खुशियां प्राप्त कीतिया, भगवान का गुणगान किया सब ने और असी तो यही चाहवे साड़ी आने वाली पीढ़ी भी इस तरह ही जिस तरह अभी अपने बच्चों अपने परिवारों नाल लैके आए हैं कि वो परिवार भी साढ़े यही परंपरा जो ऋषि मुनिया ने साडे माता पिता ने साडे बजुर्गों ने सानू सिखाई है यही परंपरा भगवान भोलेनाथ की भगती वो हमेशा करते रहिए और उस तो कल्याण अपना प्राप्त करते रहिए।